रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे करंट अफेयर यानी आरआरबी जेई एनटीपीसी ग्रुप डी की अभी एग्जामिनेशन आने वाली है, उसके लिए करंट अफेयर का वीडियो नंबर 5 यानी Part-5 है, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 2019 के टर्म में। तो यहाँ क्या बात करने वाले हैं, ब्रांड अम्बेसडर 2019, जिसको ट्रेडमार्क राजदूत के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी ब्रांच का, किसी भी ब्रांड जो ट्रेडमार्क होता है या कह सकते हैं उनकी लोगों का प्रचार या अपने ब्रांड को आगे तक पहुंचाने के लिए राजदूत का यूज किया जाता है, उसके लिए है संबंधित, जिसमें बात करेंगे ब्रांड अम्बेसडर स्टेज वाइज। कुछ राज्य अपने अपने ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किए होते रहते हैं अम्बेसडर। उसके बाद है आपका ब्रांड अम्बेसडर फॉर ऑल कंपनी, जैसे नोकिया, बैसारे, डिश टीवी यानी पैनासोनिक, जितने भी अलग अलग ब्रांड होते हैं अपने अपने कंपनी का एक ब्रांड अम्बेसडर अपने प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। उनकी पब्लिसिटी से लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर या प्रोत्साहित होते हैं, दोनों कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें की बात करेंगे। उसके बाद ब्रांड अम्बेसडर ऑफ इंडिया के टर्म में बात करेंगे, जैसे भारत सरकार भी कई सारे अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च करता है, उसका भी यहाँ बात करेंगे। और ऑल ब्रांड ऑफ अम्बेसडर की बात करेंगे, और इसके साथ साथ एक और टॉपिक है ब्रांड अम्बेसडर ऑफ करंट अफेयर 19 के टर्म में भी, इसी को कम्प्लीट करेंगे। तो ये 5 हाईलाइट पॉइंट है, जिसमें हम करीब करीब 78 का नाम लेंगे, लेकिन एक ब्रांड अम्बेसडर, जैसे आप विराट कोहली जी की बात करेंगे तो विराट कोहली कम से कम 10 से 12 अलग अलग के ब्रांड अम्बेसडर है, लेकिन हम 71 को लेके हैं, 78 लेके आए हैं, उसमें एक नाम के साथ 2-3-4 ब्रांड भी जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी का। तो चलिए इसमें हम चलते हैं, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, हैंडराइटिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में जैसा संभव हो चुका है आपके लिए लाया गया है, तो यहाँ पे एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले हम राज वाले शुरू कर लेते हैं। तो पहला है आपका, यहाँ पे देखिएगा सीरियल नंबर है, इधर की तरफ नाम है, इधर ब्रांड अम्बेसडर है, और शुरू के कुछ में हमने उनका क्षेत्र लिख दिया है कि किस क्षेत्र से जो है, क्योंकि कई बार पूछ दिया जाता है कि हिमा दास किस क्षेत्र के हैं, इनका प्रोफेशनल क्या है, तो ऐसे है, ये भी आप देखते रहिएगा। लेकिन मैं कुछ ही में लिखा हूँ, फिर बाद में मैंने इसको हटा दिया, क्योंकि आपको इसमें केवल आप ध्यान से दे दीजिएगा कि ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। पहला असम, असम का पर्यटन के लिए ब्रांड अम्बेसडर की नियुक्ति प्रियंका चोपड़ा जी को किया गया है, इनका क्षेत्र अभिनेत्री है, सब लोग जानते हैं। असम का ही स्पोर्ट्स के लिए हिमा दास, जो धावक एथलेटिक्स में आपका है, जिनका नाम शामिल है, ये ब्रांड अम्बेसडर ऑफ असम राज्य के स्पोर्ट के लिए हैं। उसके बाद हरियाणा की बात करेंगे, तो हरियाणा पर्यटन के लिए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का अभिनय के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, फिल्म से जुड़े हुए हैं, ये ब्रांड अम्बेसडर हैं। हरियाणा के योग और आयुर्वेद से जुड़े हुए बाबा रामदेव इसके हैं, इनका योग और व्यवसाय ऑफ आयुर्वेदिक, तो कुछ लोग बोलते हैं व्यवसाय नहीं है, तो बिल्कुल व्यवसाय में आ चुके हैं, प्रोडक्ट अपने भारत में लॉन्च कर रखे हैं, बहुत सारे आउटलेट से बेचा भी जा रहा है, तो जोक के साथ साथ व्यवसाय इनका जुड़ा हुआ कारोबार है। उसके बाद हरियाणा की बात करेंगे, ही तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साक्षी मलिक कुश्ती से जुड़े हुए इनके ब्रांड अम्बेसडर है। तो ये तीन राज्य असम और हरियाणा के तीन हो गए, और असम के लिए 2। उसके बाद त्रिपुरा के लिए दीपा कर्माकर का जानते ही हैं, जिमनास्टिक से संबंधित है, जिमनास्टिक आपका एथलीट में ही शामिल होता है, लेकिन ये जिमनास्टिक के लिए ब्रांड अम्बेसडर त्रिपुरा। झारखंड का पर्यटन का महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से, आंध्र प्रदेश पर्यटन के लिए अजय देवगन और काजोल इनके ब्रांड अम्बेसडर के रूप में है। सिक्किम का भी बात आता है कई बार, और अलग अलग राज्यों का आता है, तो सबका देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल के लिए बात करेंगे तो शाहरुख खान जी, तो यहाँ पे शाहरुख खान है, तो इसकी बात करेंगे। उसके बाद पश्चिम शाहरुख खान और कई सारे ब्रांड अम्बेसडर हैं, तो उसको भी यहीं के यहीं सम्मिलित कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शाहरुख खान का नाम दोबारा लेने से अच्छा है कि यहीं बात कर लिया जाए। शाहरुख खान किसके किसके हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो बहुत सारे ब्रांड अलग अलग के लिए इन्होंने अपने पर्यटन में है, तो केंट सिक्योरिटी के लिए भी हैं, और हुंडई के लिए भी ये ब्रांड अम्बेसडर के काम करते हैं, तो हुंडई जो कार कंपनी है उनके लिए भी, और साथ साथ में केंट सिक्योरिटी
पार्ट्स सिक्योरिटी पार्ट का भी ब्रांड एम्बेसडर आपके शाहरुख खान है। और भी हो सकते हैं, यहाँ पे जितना मेरे पास है मैं बता रहा हूँ। गुजरात पर्यटन का अमिताभ बच्चन जी जानते ही हैं, बहुत पॉपुलर अभिनेता के साथ साथ गुजरात पर्यटन को रेवेन्यू में 29% या कितने परसेंट का इन्होंने उछाल करा दिया था। तो चलिए उसके साथ साथ ये अमिताभ बच्चन जी ही अपने आप में ब्रांड है और साथ में ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो किसके किसके लिए है, वन प्लस सिक्स इसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर है, डिटोल के लिए भी है, लक्स के लिए है, मुथूत फाइनेंस के लिए भी है, श्रिस्का एलईडी के लिए भी है, पल्स पोलियो का भी है, स्वच्छ भारत के लिए भी है, सिटी कंपोजिट गार्बेज के लिए भी है और जीएसटी के लिए भी है। ये सारे के लिए अमिताभ बच्चन जी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्रांड, अपने आप में ब्रांड साथ में एम्बेसडर। तो इसके साथ साथ बात कर लीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे हैं। तो वन प्लस सिक्स, डेटॉल, लक्स, मुथूत, श्रेक्सका एलईडी, पल्स पोलियो, स्वच्छ भारत अभियान और उसके बाद सिटी कंपोजिट, कैंपिगन और जीएसटी, इतने सारे अभियानों के लिए अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद अगले बात बात करेंगे वरुण धवन, स्किल इंडिया 2018, स्किल इंडिया 2018 में लागू किया गया था, उसके ब्रांड एम्बेसडर आपके वरुण धवन और अनुष्का शर्मा अभिनय के रूप में दोनों आपके हैं। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्किल इंडिया कौन सा है, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। उसके बाद कर्नाटक पर्यटन के लिए राहुल द्रविड, वॉल ऑफ क्रिकेट के नाम से जानते हैं, तो कर्नाटक के लिए राहुल द्रविड़ जी क्रिकेट से हैं, तो ये उनके पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर है। आगे चलते हैं, बढ़ते चलते हैं, कर्नाटक के बाद विराट कोहली ब्रांड नंबर टू, अमिताभ बच्चन के बाद विराट कोहली, तो इनका भी एक बार एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा आपको कर दूं क्योंकि नाम इतने हैं, हमें आपको भी नहीं याद होगा, हमें भी नहीं याद होगा, लेकिन हमने लाए हैं तो आपको बताना है। तो चलिए, विराट कोहली क्रिकेट जिसे हैं, किसके किसके अभी ब्रांड एम्बेसडर में हैं, तो यहाँ गूगल डू मोबाइल प्रीमियम लीग, रेमिट टू इंडिया, फिलिप्स इंडिया, उबेर, उसके बाद देखिएगा क्या है, संजीव गोयनका ग्रुप, पीएनबी, लुमिनियस पावर और अमेज, इतने सारे के ब्रांड एम्बेसडर है। फिर एक बार देख लीजिएगा कोई अगर कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले है आपका गूगल ड्यू, यहाँ पे नाम गाइड देखेंगे, उसके बाद मोबाइल प्रीमियर लीग, उसके बाद रेमिट टू इंडिया, फिलिप्स इंडिया, उबेर, आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, उसके बाद पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद लुमिनियस पावर ऑफ अमेज, ये सारे के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे ब्रांड एम्बेसडर है एमएस धोनी, क्रिकेट से महेंद्र कुमार धोनी, जो लोगों की पसंद और ब्रांड के रूप में प्रोडक्ट बेचना और आपको प्रोत्साहित करना और समझाना इनका काम है। तो उसके बाद ये इसमें देखिए नेट मिट्स, चॉकलेट्स, उसके बाद स्निकर्स, इंडिगो पेंट, आपके बाद है सुमाद्रा ग्रुप, उसके बाद भारत मैट्रिमोनियन साइट, मास्टर कार्ड, रेड बस और उसके बाद ड्रीम 11, ये सारे के लिए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। एक बार और देख लीजिएगा क्लियर से, मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सारा महेंद्र सिंह धोनी के नाम है और ऊपर से ये सारा विराट कोहली जी के नाम है। तो एक बार आप देखना चाहते हैं तो मैं एक बार होल्ड कर देता हूँ इसको, आप ये देख लीजिएगा सारा टॉपिक को। उसके बाद अगले बार आमिर खान है, तो आमिर खान का भी पहले बहुत आया करता था, आजकल थोड़ा कम दिख रहा है, फिर भी बहुत है। पे आपका फोन पे, वीवो, चाइना हिल्स, आपका डेस्टन इंडिया और सैमसंग, इतने ब्रांड का अभी ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान जी हैं। अब उसके बाद एक एक करके चलते हैं, जहाँ जो मिलेगा उसको हाईलाइट करते चलेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे फोन, वीवो, चाइना हिल्स, डेस्टन इंडिया और सैमसंग, आमिर खान। उसके बाद है फैंटास्टी 11 के लिए मुरली कार्तिक, ये भी क्रिकेट से ही जुड़े हुए हैं, तो मुरली कार्तिक फैंटास्टिक 11 के लिए जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगले में चलते हैं, फैंटास्टिक 11 के बाद अगला हमारा 21 नंबर है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कौन से हैं, इंडो अमेरिकन आर्ट काउंसिल IAAC, याद रखिएगा IAAC, इसके लिए विकास खाना जी ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद फास्ट एंड अप मयंक अग्रवाल, फास्ट एंड अप मयंक अग्रवाल। उसके बाद अगले नंबर पे देखेंगे तो हमारे पास है 23 नंबर, policy.com,
policyx.com। वीरेंद्र सहवाग जी क्रिकेट से हैं, ये जुड़े हुए हैं, इनका अब रिटायरमेंट है तो फिलहाल ये जुड़े हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर policyx.com। उसके बाद है फैंटास्टिक स्पोर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म फाउंटेन सुरेश रैना जी, साथ में GMC गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं सुरेश रैना जी। तो UP से बिलोंग करते हैं सुरेश रैना जी, तो गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी जिम्मेवारी इनकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। उसके बाद है लियो आर्ट, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण। उसके बाद है क्लिनिक इंडिया, उसके बाद राधिका आप्टे, इनके ब्रांड एम्बेसडर है, एक एक लाइन का है यहाँ पे। MG मोटर इंडिया के हैं बेनडिक्ट चैम्स बैट। उसके बाद आपका है पोकर स्टार इंडिया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ब्रांड एम्बेसडर 28वें रूप में पोकर इंडिया स्टार इंडिया के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के रूप में है। उसके बाद विजय क्या है बिन, देखिए बिगा जोय। उसके बाद है उबेर क्लैप, इसके ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। तो ये नाम भी हमें पहले चर्चित रूप में था, लेकिन यहाँ पे देखिए विज्ञाज मुझे याद नहीं है किस चीज़ का क्षेत्र है, लेकिन उबेर क्लैप और दोनों के लिए आयुष्मान खुराना जी यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर के नियुक्त हैं। उसके बाद दो और इसमें बच गया है, रणबीर कपूर, ये भी एक ब्रांड नंबर 4 कह सकते हैं, बहुत सारे एडों में आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक में दिख जाते हैं रणबीर कपूर जी, रणबीर सिंह और रणबीर कपूर अलग। तो यहाँ रणबीर सिंह की बात करेंगे तो जियोमी इंडिया, उसके बाद है कजरिया प्ले, डिश TV और श्रीराम का कपड़े आते हैं उसके बैंड में रणबीर सिंह। अभी 4 यहाँ पे नाम मुझे मिला, और भी होंगे लेकिन यहाँ पे 4 मोटे मोटे ब्रांड मिले हैं, डिश TV, श्रीराम दोनों इम्पोर्टेंट है, और सियोमी इंडिया तो आप देख ही रहे मोबाइल ब्रांड है, लेकिन एक्चुअली में चाइना का ब्रांड है, लेकिन इंडिया के नाम से ब्रांड ये बनती है। उसके बाद हम 30 नंबर के बाद चलेंगे अगले स्लाइड में 31 नंबर से, तो 31 नंबर में आएंगे तो अब कंपनियों का नाम ज़्यादा ही आएगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे थोड़े में। तो पहले मतदान फिर जलपान, यानी इलेक्शन कमीशन, जो अभी आज 19/5/2019 है और इस बार लोकसभा का अंतिम मतदान दे, तो इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो इलेक्शन का करने में बहुत भागीदारी होती है। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो प्रानिता सुभाष इनके ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद क्रिक प्ले इसके लिए गौतम गंभीर ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद है आपका फैंटास्टी स्पोर्ट, ध्यान से देखिएगा फैंटास्टी स्पोर्ट, हार्दिक पांड्या क्रुणाल पांड्या, लगता है दोनों भाई ही हैं और सही में भी भाई है शायद, तो फैंटास्टी स्पोर्ट के लिए हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या। उसके बाद गीता शर्मा बार्ली। उसके बाद आपने है 35 नंबर पे प्यूमा BSNL और है ट्राइब्स इंडिया, ये इसके लिए मेरी कॉम फुटबॉल नहीं बॉक्सिंग मणिपुर, तो मेरी कॉम सुपर मॉम, चलिए अभी एक और नाम सुपर मॉम, तो सुपर मॉम के नाम से विख्यात, मेरी कॉम के नाम से प्यूमा BSNL और ट्रीब्यूज इंडिया के नाम, इनके नाम पे ये ब्रांड एम्बेसडर है। तो चलिए इसको हाईलाइट हटाते हैं, उसके बाद अगला बात करते हैं महेश बेबी किसके लिए है, डेनवर के लिए। उसके बाद पेप्सिको कुरकुरे और आपके पास है एक और नाम है हॉर्लिक्स, किसके लिए हॉर्लिक्स और पेप्सिको कुरकुरे इसके लिए है तपसी पानू, TV सीरियल कलाकार शायद हैं या और कोई जुड़े होंगे, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन नाम सुना हुआ है, बार बार ये नाम आता है तपसी पानू। तो ये पेप्सिको कुरकुरे एक ही में है, उसके बाद हॉर्लिक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। अगला ब्रांड है स्प्राइट, तो पीओ और जियो स्प्राइट इनके ब्रांड एम्बेसडर है अमोल केसी। उसके बाद PNB
तो पीएनबी के लिए पीवी सिंधु का भी देख रखे हैं, उसके बाद नेट लाइफ और सीआरपीएफ। तो पीएनबी कई जगह आपको विराट कोहली के नाम से भी आता है कि फिर वो भी है। अब इनमें से दोनों के नाम आ रहेगा तो ध्यान से देखिएगा, पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी, पीएनबी नेट लाइफ और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो 39 नंबर के बाद हम चलेंगे अब नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आएगा हमारे पास स्वच्छ इम्यून इंडिया, करीना कपूर खान, स्वच्छ इम्यूनाइज इंडिया, करीना कपूर खान। उसके बाद क्लीन इंडिया मिशन यानी स्वच्छ भारत मिशन के लिए साक्षी मलिक और पीवी सिंधु, और कुछ कुछ इसमें से अमिताभ बच्चन का भी कुछ पार्टों का। तो अमिताभ बच्चन, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, क्लीन इंडिया मिशन, और कहें कि स्वच्छ भारत मिशन अलग और क्लीन इंडिया अंडर, तो दोनों एक जैसा समझ रहे हैं। उसके बाद है भारत स्काउट एंड गाइड्स, भारत स्काउट एंड गाइड्स के लिए श्रेया चोपड़ा इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद है विस्तारा एयरलाइंस, एयरलाइंस में आजकल प्राइवेट विस्तारा बहुत अच्छा सर्विस है, लोग कहते हैं अच्छा है, तो उसके लिए दीपिका पादुकोण, और साथ साथ में इन्होंने इंडियन साइक्रिस्टिक सोसाइटी के भी ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण जी है भी है। उसके बाद लक्स शॉप, लक्स से नेहाकर कटरीना कैफ। उसके बाद फेयर इन लवली, चमकते हुए चेहरे का यामिनी गुप्ता। उसके बाद पॉन्ड्स, दीक्षा पटनी, ये भी टीवी कलाकार से ही संबंधित लग रहा है, तो पॉन्ड्स भी का हो गया। उसके बाद है कॉक्स एंड किंग, अनुष्का शर्मा। उसके बाद है डाबर हनी, जेक्विन लिन फर्नांडीज, बड़ा टेढ़ा नाम है जी। उसके बाद गल्फ आयल, गल्फ आयल के लिए हार्दिक पंड्या, तो हार्दिक पंड्या एक जगह और मिले थे कुंडाल पंड्या के साथ, यहाँ अकेले मिले हैं। तो ये हो गया 49 तक हमारे पास नाम हो गया, एक बार देख लीजिएगा। कुछ लोगों का पीडीएफ का कमेंट आता है तो आपके लिए स्क्रीनशॉट खाली है, बिल्कुल प्लेन पेज है, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगले में चलते हैं हम, गल्फ इंडिया के बाद हमारे पास शुरू होगा क्लिनिक प्लस शैम्पू, बालों को रिफ्रेश रखने की तरीका। तो क्लिनिक प्लस के लिए श्वेता तिवारी, क्लोजअप दांतों की मुस्कान महेश बाबू। उसके बाद ब्रिटेनिया खाओ 50-50, आधा पानी आधा ब्रिटेनिया नहीं, तो 50-50 ब्रिटेनिया के नाम से है। तो यहाँ पे ब्रिटेनिया के लिए सचिन तेंदुलकर जी हैं। एंटी लिक्विड एंड नेरोटिक यानी शराब से रिलेटेड जो बैन उसके प्रचारक में है, तो उसमें भी तेंदुलकर जी हैं। उसके बाद है आपको अपोलो टायर, ये तीन नाम मुझे मिला, और भी होंगे तो ढूंढ लीजिएगा। तो ब्रिटेनिया, एंडी लिक्विड कैंपिगन, और इसके बाद ये अपोलो टायर, सचिन तेंदुलकर जी। उसके बाद ये ऋतिक रोशन है टाटा ग्रुप के लिए, तो ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन इंग्लिश में लिखते हैं चलिए, तो टाटा ग्रुप। लाइव बॉय, घिसेगा नहीं बहुत देर तक चलेगा, काजोल। उसके बाद हॉर्लिक्स का फिर से यहाँ देखिए, तपस्वी पन्नी हमने पहले ही बात कर लिया था एक साथ में, जो आपके हॉर्लिक्स के लिए भी है, तो तपस्वी पन्नू पहले ही बात कर लिया है। रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस, अक्षय कुमार, एक्शन फिल्म, चलिए याद करते जाइएगा, मजाक नहीं समझना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इशू, दिया मिर्जा, और ये स्वच्छ साथी के भी ब्रांड एम्बेसडर जी है दिया मिर्जा जी, इन्वायरमेंटल यानी आपकी पर्यावरण से संबंधित इशू के लिए दिया मिर्जा, और साथ में स्वच्छ साक्षी के लिए भी। डिजिटल इंडिया, बार बार पूछने वाला प्रश्न, इसके ब्रांड एम्बेसडर दो तीन प्रश्नों में पूछ दिए गए हैं। तो डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर क्या हैं, मास्टर तिवारी। उसके बाद मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं फिरूज कम्बटा खाम्बाटा, ध्यान दीजिएगा नाम देख लीजिएगा अपने स्पेलिंग ढंग में, फिरूज कांडा। उसके बाद आपका है इनक्रेडिबल इंडिया, इसके लिए है श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने आप खुद इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को ध्यान दीजिएगा। रोड सेफ्टी वाला भी कई बार आ चुका है अक्षय कुमार जी का, तो ये सारे ब्रांड एम्बेसडर 60 तक हो गए, कुछ अभी भी बाकी है वो अगले स्लाइड में, तो अगले स्लाइड में चलें। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, तो अगले स्लाइड में थोड़े ही है और बाकी आपके लिए खाली नीचे रखा हूँ, जो आप जानते हैं ज़रूर बता दीजिएगा लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपके पास अगला ब्रांड है रिबॉक, तो रिबॉक के शूज वगैरह बहुत सारे आते हैं, तो इसके लिए हैं
नाम की तरफ देखें, मिथाइल इनामुएल, भारत के तो कम ही लग रहे हैं, 12 के होंगे, नाम ही ऐसा दिखता है। उसके बाद आप देखेंगे क्राफ्ट हेंज इंडिया, इसके लिए सौरव गांगुली जी, बंगाल टाइगर, टाइगर बंगाल के नाम से विख्यात सौरव गांगुली जी के, इनके ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद एडुकेट गर्ल, गर्ल को पढ़ाने लिखाने से संबंधित कैटरीना कैफ का इनके ब्रांड एम्बेसडर है, व्हर्लपूल। उसके बाद आए सुशांत सिंह राजपूत और कीर्ति सैनन, और कीर्ति सैनन जी बाटा का भी हैं, तो ध्यान दीजिएगा कीर्ति सैनन बाटा के भी ब्रांड एम्बेसडर है। बाटा शू आप जानते ही हैं, बाटा से संबंधित, तो एक कीर्ति सैनन जी उसके ब्रांड एम्बेसडर अलग से हैं। और व्हर्लपूल के लिए सुशांत सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह धोनी नहीं कह दीजिएगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के इन्होंने रियल लाइफ नहीं रील लाइफ में काम किया है। तो चलिए कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है। उसके बाद है आपका बाटा न्यू स्पोर्ट वियर, बाटा इंडिया के लिए कृति सिनोन, उसके बाद बाटा न्यू स्पोर्ट वियर के लिए हैं स्मृति मंदाना, भारतीय क्रिकेट की एकलौती ब्रांड एम्बेसडर अभी तक नाम मिला है, तो भारतीय महिला क्रिकेट वोमेन क्रिकेट के स्मृति मंदाना बाटा न्यू स्पोर्ट के लिए। उसके बाद है हरमन इंटरनेशनल, इसके में देखिएगा प्रियंका चोपड़ा जी, फिर से एक बार पहले भी आ चुके हैं, तो हरमन इंटरनेशनल के लिए प्रियंका चोपड़ा। उसके बाद फ्रूटी, फ्रूटी आप जानते ही हैं, पैकेट 10 रुपये की फ्रूटी, साथ में पैकेट बड़ा डरम, जो लेना है लीजिए, लेकिन इनके ब्रांड एम्बेसडर को जानिएगा, तो ये है अल्लू अरुण जी। उसके बाद है पोकर स्पोर्ट लीग, इसके लिए है विश्वनाथन आनंद, तो विश्वनाथन आनंद अपने जमाने के वर्ल्ड चैंपियन चेस से संबंधित, और अभी भी हैं शायद, इनका अभी भी चलता है टूर्नामेंट, लेकिन थोड़ा अभी नाम कम आता है, तो यहाँ पे पोकर स्पोर्ट लीग के लिए है। उसके बाद 69 से 78 तक और प्रश्न हैं, उसको भी ले लिया जाए, तो 69 के लिए है तो पोकर इंडिया आपने देख लिया था, लीग के लिए विश्वनाथन आनंद जी हैं, चेस से संबंधित है। उसके बाद मणिपाल हॉस्पिटल के लिए राहुल द्रविड़, वॉल ऑफ क्रिकेट। उसके बाद अगला फिर देखिएगा नोकिया उबेर ईट्स, उबेर का अलग है, उबेर ईट्स के अलग है आलिया भट्ट, तो नोकिया और उबेर ईट के लिए ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट जी हैं। उसके बाद है आपका होलो सूट, युवराज सिंह, सिक्सर किंग होलो सूट। उसके बाद मारुति के लिए है वरुण धवन, उसके बाद आप देखेंगे रूपा कंपनी इनर बियर अनुष्का शर्मा, रूपा इनर बियर आउटर बियर जो भी रूपा कंपनी की आती है उसके लिए। उसके बाद फ्लिपकार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा श्रद्धा कपूर एंड रणबीर कपूर, फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर है, पिछली LPCVT1 में आया था शायद रणबीर कपूर के नाम से फ्लिपकार्ट। उसके बाद शार्क टीवी, रोहित शर्मा जी, मुंबई इंडियन IPL विनर, IPL याद है ना, IPL 2019 के विनर मुंबई इंडियन, और साथ में कप्तान रोहित शर्मा। केनरा बैंक के लिए शिखर धवन, अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म के लिए जॉन इब्राहिम, माँ अभियान जो भारत सरकार का है उसके लिए माधुरी दीक्षित जी ब्रांड एम्बेसडर है। तो मेरे तरफ से ये 78 नाम थे, ये 78 नाम लेकिन ब्रांड ज़्यादा, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 10, तो ये अलग अलग कंडीशन करके मैं एक साथ लाया हूँ। थोड़ा ये सारे टॉपिक ढूंढने में बहुत टाइम लग जाते हैं, बुकों में बिखराव होता है, तो चलिए कुछ लोगों का रहेगा कमेंट रहता है बार बार कि मुझे PDF चाहिए, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पूरी तरह से इसको एडजस्ट कर देता हूँ। 78 नाम यहाँ है, आप लेना चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास जो टॉपिक है इसकी हम मैंने पूरी के पूरी लिस्ट आपके सामने है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट नाम है वो पूरी तरह से सामने है, तो हो सकता है करंट अफेयर आपको आए, और करंट अफेयर आए तो एक लाइन का प्रश्न होता है, याद हुआ तो बना, नहीं तो खाली गया। तो ये था हमारा Part-5 करंट अफेयर JEE NTPC एग्जामिनेशन, और बहुत दिन बाकी नहीं है, बस अब आपको शुभ यात्रा में निकलना है और पेपर करके आना है। तो यहाँ पे हम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टेज भाई, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑल कंपनी, ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया, ऑल ब्रांड एम्बेसडर 2019 और ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर 2019 के 5 टॉपिकों को एक साथ करके लाए हैं आपके लिए, क्योंकि पूरी अलग अलग करेंगे तो थोड़ा अलग हो जाता है, एक एक करके मल्टीपल
चॉइस क्वेश्चन बनाने में बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो यहाँ पे हमने कम टाइम में आपके लिए 71 ब्रांड एम्बेसडर प्लस उसके लिए हमने सारे डाटा जिससे जिससे जुड़े हुए हैं उसको लेकर आए हैं। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत हेल्प होगा, तो एग्जाम बाद ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।